हमने पूरी तौर पर आज ही नहीं, डेढ़ महीने से पहले 10 के 10 लोकसभा के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे और उनको 25 तारीख का समय दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट बना कर दे कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस किस पार्टी के प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कौन आ सकते हैं और उसके साथ हमारी ओर से सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है, और पूरी तौर पर तैयार है 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा लड़ने के लिए। हरियाणा बदलाव चाहता है और बदलाव जननायक जनता पार्टी के प्रति अपना अपार समर्थन, जो जींद ने एक ट्रेलर दर्शाया उसको देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर कोई विकल्प हरियाणा प्रदेश में है तो जननायक जनता पार्टी है। उनके संगठन का निर्णय है, अगर पंजाब में आगे चुनाव हों और अगर हमें लगता है कि हम सक्षम हैं तो हम भी पंजाब के अंदर जाकर अपनी दावेदारी करेंगे। हम दिल्ली में पहले ही संगठन के बनाने की शुरुआत कर चुके हैं, राजस्थान में बढ़ाएंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हरियाणा के लगते हुए प्रदेश है वहाँ मजबूती से हम संगठन को खड़ा करने जाए। आज ये बात कहनी बहुत जल्दी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव ने 3 सदस्यों को ये जिम्मेवारी दी है, हमने उन पर छोड़ा है कि अगर उनको कुछ वायबल लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ किसी पार्टी के साथ आने से हरियाणा प्रदेश के नहीं देश हित के लिए बदलाव के अंदर कोई हमें मजबूती मिलती है उस संगठन को मजबूती मिलती है तो ज़रूर इस पर विचार किया जाए। बाकी तो हमें तो 200 बच्चों की पार्टी कहा जाता था, आज एक संगठन तो आप मानने लग गए और एक सीरियस पार्टी मानने लग गए। ये तो राजनीति है, धमाके होते रहते हैं और धमाके नुकसान वाले नहीं, प्रदेश के हित के अंदर बदलाव वाले। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ऐसी सोच के लोग जो प्रदेश के हित के लिए हमारे से जुड़कर हमें ताकत देना चाहेंगे तो जरूर उस पर भी विचार करें। अभय सिंह के भी ज्यादातर बयान जो है वो जेजेपी को लेकर ही आते हैं, वो तो सोते हैं उठते हैं तो जेजेपी आ जाते हैं।